हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर। ये बिटकॉइन माइनिंग टोटली फ्री है, आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना अकाउंट बनाना है और बस माइनिंग स्टार्ट कर देना है, और एक टाइम टू टाइम आपको विड्रॉल लेते रहना होगा। जैसे आपका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आ जाता है विड्रॉल लेने के लिए और अकाउंट बनाने के लिए, आपको इसमें अपना एक डिजिटल वॉलेट चाहिए होगा। वो डिजिटल वॉलेट आप चाहे तो बना सकते हैं, या तो कॉइनबेस में या तो ब्लॉकचेन में। मैंने अपना ब्लॉकचेन में बनाया है, इसको मैं यूज़ करूँगा। सो देखते हैं क्या करना है। इस साइट का नाम है Btconline, इसके थ्रू आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं फ्री में। सो स्क्रीन पे देखते हैं, मैं उस साइट में जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉकचेन बगल के टैब में खुला हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पे ब्लॉकचेन का बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस देना होगा, फिर एक यहाँ पे एक पिन देना होगा और स्टार्ट माइनिंग कर देना होगा। एक बार ये कर दो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय बैलेंस के सेक्शन में कि वहाँ पे बिटकॉइन अपने आप बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था तो मेरे पास कुछ इतने बिटकॉइन हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये बिटकॉइन अपने आप बढ़ते जा रहा है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस साइट को आपको ऐसा नहीं कि टैब को खोल के रहना है हमेशा। आप एक बार लॉगिन करके अकाउंट में स्टार्ट माइनिंग में क्लिक कर दो, वो बढ़ते रहेगा अपने आप। चाहे आप ब्राउज़र बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो या नेक्स्ट दिन आके खोलो, वो बढ़ते रहेंगे। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद आप वहाँ पे एक विड्रॉल क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल के लिए आपको 0.006 BTC होना चाहिए और बाकी अदर्स ऑप्शंस भी है। आप देख सकते हैं प्लान्स है, अफिलिएट्स हैं, आप चाहे तो रेफ़र भी कर सकते हैं वो रेफरल लिंक यूज़ करके। पर एक चीज़ है कि वो रेफरल का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि जो रेफ़र किया है आपके अकाउंट से वो कुछ प्लान्स ख़रीदता नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लान्स है इसमें, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो सब प्लान्स नहीं ख़रीदें। आप जो नॉर्मल माइनिंग हो रहा है उसी के थ्रू क्लेम करें। सो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं सिर्फ आपको स्टार्ट माइनिंग के बाद छोड़ देना है, वो होता रहेगा। आपको सिर्फ टाइम टू टाइम चेक करना है, मिनिमम थ्रेशोल्ड हो गया तो आपको सिर्फ विड्रॉल क्लेम कर लेना है। अपना ब्लॉकचेन आईडी देके या अपना डिजिटल वॉलेट देके आप चाहे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। वो बेसिकली हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहे हैं, बाय चांस कोई और आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा हो तो आपको पता चल जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट विड्रॉल क्लेम किया है। कुछ ही दिनों में मेरे ब्लॉकचेन अकाउंट में आ जाना चाहिए। आने के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड। तब तक आप लोग भी जाइए, अकाउंट बनाइए, माइनिंग स्टार्ट करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल में। सो गाइस, अब बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं।